पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। Please be seated. You were late, OT. Sorry, Uncle. Uncle? Sir. मैं आपका कॉस्ट डायरेक्टर हूँ और कॉस्ट डायरेक्टर को सर कहते हैं। वैसे भी आप यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं आई हैं, मिस कंसल। You may take your seat. बैठिए। यहां पर मौजूद हर ऑफिसर ट्रेनिंग की अपनी एक कहानी होगी। यहां आने का अपना एक मकसद होगा। मैं वो कहानी, वो मकसद खुद आपकी जुबानी सुनना चाहता हूं। Let us start with you, young lady. Thank you, sir. मुझे देख के ना सबको ऐसा लगता है कि मैं मेहनत नहीं कर सकती. Sir, I want to prove everyone wrong. I want to tell everyone that don't judge a book by its cover. Great. आप? Sir, गांव में बापू ट्रैक्टर चलाता था और शहर में आके टेम्पो. सर हमेशा धुएं की घड़ घड़ में पढ़ाई करी है सर. मैं उस धुएं को मिटाना चाहती हूँ. बहुत अच्छे. आप बताइए. छपरा से हैं सर. हम जब भी कहीं जाते हैं अपनी भाषा में बात करते हैं तो बहुत तिरस्कार मिलता है सर. अब क्या करेंगे सर, अंग्रेजी भाषा का इतना बोलबाला हो गया है कि सब अंग्रेजी में बोलते हैं यहाँ पे. परंतु एक बात कहेंगे सर कि आज हमको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है. ऑल द बेस्ट. आप बताइए. सर आई एम फ्रॉम दिल्ली NCR सर. बहुत मेहनत करी यहाँ पर आने के लिए. अच्छा लगता है सर. पावर सर, पावर. देखेंगे हम कितना पावर है तुम्हें. What about you, young man? आपका क्या मकसद? मकसद पावर. सर मकसद जैसे मोटे शब्द सीखे नहीं है हमने. अगर खुद कभी समझ पाए तो आपको जरूर बताएंगे. वो क्या है ना, कुछ लोगों को फ्री फ्लोइंग रहने देना चाहिए वरना माहौल भारी हो जाता है. और मिस बंसल, व्हाट अबाउट यू, आपका मकसद भारी है या हल्का? सर आप बोलिए. तुम्हें शायद ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गई हो, मगर इस गलत फहमी में मत रहना. मिस बंसल, कम ऑन. लेट आई हो पर यहां पहुंच गई हो ना, सो स्पीक अप. सर हम वो लगता है हॉल की लाइट्स की तरह इनकी बोली भी ट्रिप हो गई है. सर हमने बचपन में एक सपना देखा था. कैसा सपना? हम IAS बनना चाहते थे और क्या, जरा जोर से बोलिए ना. हम IAS इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि हम वैसे कमजोर आपका हौसला है या आवाज? इतनी धीमी आवाज में क्यों बात कर रही हैं? बुलंद आवाज में बात कीजिए सबके जैसे. सर एक्चुअली जब हमारी बड़ी बहन हम आई थिंक वी हैव एन इश्यू मिस सिन्हा. शायद इनकी तैयारी पूरी नहीं है.
आपका कुछ और वक्त चाहिए प्रिपेयर करने के लिए? एक हफ्ता, एक महीना, एक साल? आप चाहें तो एक और साल ले सकती हैं पूरा प्रिपेयर करने के लिए। शुभ ने हमसे हमारी सीट छोड़ने को कहा। उसने तुम्हें सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा है, बस एक साल रुक जाने के लिए कहा है। वैसे आप लोगों का कॉस्ट डायरेक्टर आपका गुरु होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं। गुरु दक्षिणा देने का जज्बा हर किसी के पास नहीं होता। गुरु का ऋण तब पूरा होता है जब शिष्य अपना अंगूठा काट के गुरु के चरणों में रख दे। चलो गुरु कह रही हो, गुरु दक्षिणा मान के ही रुक जाओ, ठीक है? हम भी देखना चाहते हैं ऑफिसर ट्रेनी से ऑफिसर तुम कैसे बनती हो बगैर अपने गुरु के आशीर्वाद के। ये बात मैं साफ करना चाहता हूं, अहमास्मी योद्धा, मैं एक योद्धा हूं, यही इस एकेडमी का मोटो है और इसीलिए आप सब यहां पे आए हैं एक योद्धा बनने, एक योद्धा जो इस देश के नागरिकों की सेवा करेगा। मिसना जी, ये शील्ड को देख रहे हैं आप, ये कोई आम शील्ड नहीं है, ये वो शील्ड है जो हर साल हर बैच में उस ट्रेनी को मिलता है जो 15 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद जनता के बीच में जाकर एक मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करता है और यही होगी आपकी ट्रेनिंग की पहली कड़ी, एक रूरल विजिट। जी हाँ, एक गांव में रूरल विजिट, जिसके लिए आप में से सिर्फ 8 ओटीज चुने जाएंगे। वो 8 ओटीज गांव में जाएंगे, गांव के लोगों से मिलेंगे, उनकी दिक्कतें उनकी परेशानियां जानेंगे और उस जड़ से उजड़े गांव को वो अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। और जो ट्रेनी ये टास्क सफलतापूर्वक कंप्लीट करेगा उसे मिलेगा ये शील्ड। इज दैट क्लियर? सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ट्रेनिंग। Thank you. और मिस बंसल, आपका मकसद भारी है या हल्का? जरा जोर से बोलिए ना, इतनी धीमी आवाज में क्यों बात करनी है, बुलंद आवाज में बात कीजिए सबके जैसे। आई थिंक वी हैव एन इश्यू मिस सिन्हा, शायद इनकी तैयारी पूरी नहीं है। आपका कुछ और वक्त चाहिए प्रिपेयर करने के लिए? एक हफ्ता, एक महीना, एक साल? आप चाहें तो एक और साल ले सकती हैं पूरा प्रिपेयर करने के लिए। हमारी बड़ी बहन ने भी सपना देखा था, हमारे पापा का सपना, डॉक्टर बनने का सपना, पर उसके उस सपने को तोड़ दिया गया। बसंत खेड़ी वो गांव था जहां हमारी बहन पे झूठा इल्जाम लगाकर उसे सस्पेंड कर दिया गया। हम अपनी उस बहन की आवाज बनना चाहते हैं जिसका जीवन शुरू होने से पहले खत्म हो गया, जिसने शर्म के मारे अपनी जान दे दी। उस पिता की आवाज बनना चाहता है जिसे आज तक अपनी बेटी के लिए इंसाफ नहीं मिला। उस माँ की आवाज बनना चाहते हैं जो आज तक इंसाफ के इंतजार में है। उन सब लोगों की आवाज बनना चाहते हैं ताकि फिर किसी बसंत खेड़ी में कोई नाव्या अपनी जान ना दे। हम काव्या बंसल IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं जो कि उन सब लोगों की आवाज होगी जिनका माइक ऑफ कर दिया जाता है।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।